दोस्तों, जिसका मुझे था इंतजार, आ गया मेरा पोको X2। देखते हैं अब अनबॉक्सिंग। तो गाइस, शाम का टाइम था, मैं लेने गया अपना पोको X2। 3:30 बजे मेरा कॉल आया कस्टमर से, फ्लिपकार्ट वाला ई कार्ट से, तो मैं लेने गया। अब देखिए आगे, तो ये रहा मेरा बॉक्स जो आया है, तो मैं इसको खोलता हूँ अब। तो गाइस, मैं बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहा था कि कब मैं पोको X2 को ले पाऊँ अच्छा से स्पीड में कुछ काम करने के लिए। तो एट लास्ट कुछ ऑफ़र आया दुर्गा पूजा वाला, बिग बिलियन डेज का जो ऑफ़र आया फ्लिपकार्ट में, तो उसमें मैं ऑर्डर कर लिया, जिसमें हमको कुछ डिस्काउंट भी मिला, तो मैंने ऑर्डर कर लिया और मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। गाइस, अगर इसके फीचर्स के बारे में बताऊँ तो इसका 120 हर्ज का रिफ्रेशिंग रेट है, और ये पोको X2 है जो 6 और 128 GB वेरियंट वाला है मेरे पास, और जिसका कैमरा है वो पीछे 4 कैमरे दिए गए हैं और आगे में 2 कैमरा दिया गया है। तो पीछे कैमरा 16, 12, 8 और 4 दिया गया है कैमरा में। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल, वाइड एंगल, डेप्थ सेंसर और माइक्रो कैमरा दिया गया है। अब मैं जल्दी से इसको ओपन करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं 15 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज, ये देखिए जो लुक है, गाइज मुझे लुक तो बहुत बढ़िया लगा इस फ़ोन का, सही बता रहा हूँ मैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा लगा और इसका जो लुक है वो भी बहुत पसंद आया। बाकी अब देखते हैं, ये चार्जर दिया गया है, 27 वाट का चार्जर है। तो गाइज, ये 27 वाट का MI का चार्जर दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर MI का चार्जर दिया गया है 27 वाट का, जो एक तरह से फास्ट चार्जिंग मैंने एक्सपीरियंस जो किया वो बहुत ही अच्छा चार्जिंग स्पीड है। लगभग 40-45 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा आपका। तो गाइस, जब तक ये फ़ोन रिबूट हो रहा है तब तक मैं बता दे रहा हूँ आपको कुछ बातें इसके बारे में जो मैंने 15 दिन में एक्सपीरियंस किया है। एक बात बता दो, बातें भले ही ख़राब लगे बस, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ इस फ़ोन के बारे में। कुछ खराबियाँ हैं, कुछ अच्छाई भी हैं। तो गाइज, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि इस मोबाइल में जो 120 हर्ज का रिफ्रेशिंग रेट दिया गया है तो उसमें बैटरी बहुत ड्रेन करता है, और अगर आप हाई क्वालिटी में वीडियो वगैरह देखेंगे या फिर गेमिंग खेलेंगे, गेम खेलेंगे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन करेगा। और बाकी आपके हाथ में है, आप लेना चाहें ना लेना चाहें। और देखिए, इसमें जो फ्लिप कवर दिया हुआ सफ़ेद कलर का, और बाकी ये कुछ पढ़ने के लिए दिए गए हैं फाइल। बाकी गाइज, लुक की बात करें तो कोई A1 है, मस्त लुक है, एक नंबर लुक दिया गया है। और बाकी चार्जिंग भी CC केबल शायद दिया गया, अगर मैं गलत ना हूँ तो। और बाकी इसका लुक, ग्लॉसी डिज़ाइन बहुत ही बेहतरीन है, हाथ में आता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और बहुत ही बड़ा डिस्प्ले, तो अच्छे से आप देख पाइएगा। गाइस, और आपको चाहिए ही क्या, देखिए इस फ़ोन में कितने सारे फीचर्स हैं। 120 हर्ज का रिफ्रेशिंग रेट दिया गया है, 27 वाट का चार्जर दिया गया है, और MIUI 11 का सपोर्ट है इसमें। तो आपको क्या चाहिए, और बोलिए 17-18 हज़ार में इतना अच्छा फ़ोन। और तो गाइस, इसमें स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर दिया गया है, 8 nm हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, और विथ लिक्विड कूल के साथ 4500 mAh का बैटरी है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम 4500 mAh बैटरी, और 27 वाट का चार्जर भी तो है, वोल्टी है, डबल वोल्टी है। और गाइज, स्क्रीन की बात करें तो उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट है, और उसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी 512 GB तक दिया गया। तो अगर आप लो बजट फ़ोन अंडर 20,000 17-18 हज़ार में खोज रहे हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस से, मैंने जितना खोजा है इस फ़ोन के बारे में, ये सबसे बेस्ट फ़ोन है। आप YouTube में सर्च कीजिएगा कि पोको X2 वर्सेस एनी अदर फोन्स अंडर 20,000, यू विल फाइंड दिस फोन इज मच बेटर देन अदर फोन। सो प्लीज़ ट्राई दिस फोन वंस एंड चेक द रिव्यूज ऑफ अदर यूट्यूबर्स, यू विल गेट द सेटिस्फेक्शन एंड यू विल श्योरली परचेज दिस फोन। सो प्लीज़ चेक इट वंस। जो गाइस, सबसे मेन बात है कि इट इज़ मेड इन इंडिया, तो गाइस ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और बाकी तो मोबाइल एक नंबर है, आप ले सकते हैं, यू शुड गो फॉर इट। ओके, थैंक यू, प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।